powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. हर किसी का अपने टैलेंट और स्किल के आधार पर अपनी फील्ड में करियर बनाने का सपना होता है। वैसे ही एक करियर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का है। इसमें हर तरह के आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो मिसेस मुरादाबाद, मिसेस यूपी और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं और जो कई बड़े बैनरों के साथ टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, कमर्शियल एड्स और फिल्म कर रही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं एक्ट्रेस मॉडल मिसेस ममता बजाज जी का। नमस्कार दोस्तों, मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जो हमारा मुदगल शो है ये एक टॉक शो है, तो इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारे आज के गेस्ट हैं, बहुत ही रीनोन्ड सेलिब्रिटी जो काफ़ी सारे सीरियल्स में वर्क कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं बहुत कुछ ऐसी बातें जो एक एक्टिंग के सफ़र में ज़रूरत होती है और उन्होंने महसूस करी है। तो स्वागत करते हैं ममता बजाज जी का। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू मैम। जैसे आपने देखा, ये हमारा जो शो है एक अवेयरनेस शो है, तो यहाँ पर हम जैसे आज आप हमारे शो की पहली सेलिब्रिटी हैं, तो मैम थोड़ा सा आप ये बताइए कि सबसे पहले कि जो आपका सफ़र है, मतलब एक हाउसवाइफ से और एक एक्ट्रेस, वो कैसा रहा? क्योंकि जैसे मुझे पता है कि पहले तो आप एक हाउसवाइफ थे, राइट मैम? तो उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करा और आपने उस पार्टिसिपेट को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा मुकाम पर पहुंच गए जो आज लोग मतलब देख रहे हैं सब कि भाई आप कहाँ। तो मैं यही बता रही थी कि मेरा सफ़र ऐसा कुछ, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था इसके बारे में, कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाऊंगी या फिर एक्टिंग फील्ड में जाऊंगी। मैं बहुत खुश थी हाउसवाइफ बनके और अपने दो बच्चे पाल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि मुझे वहाँ जाना है, एक्टिंग भी करनी है। अदरवाइज़ तो मैं बहुत खुशी खुशी अपना घर संभाल रही थी और मुझे लगता था कि जो भी किसी एक लेडी को चाहिए होता है वो सब चीज़ मेरे पास है। फिर एक दिन मिसेज मुरादाबाद शो अनाउंस हुआ, तो तभी भी मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं सोचा। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के टाइम में करती रहती थी, अपने कॉलेज में भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते थे। तो मेरी कॉलेज के ही कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि यार तेरे शहर में ऐसा कॉन्टेस्ट हो रहा है तो कर ले। तो मैंने बोला नहीं, तो फिर बच्चों ने भी बोला कि नहीं मम्मा कर लो आप, हम लोगों को बोलती हो कि कोई भी चीज़ हो उसको करना चाहिए, आप खुद क्यों नहीं कर रही हो? तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसे जीत ही जाऊँगी। तो चलो ठीक है, एक कॉन्टेस्ट जीत। मिसेज मुरादाबाद का टाइटल मुझे, वो पहला मिसेज मुरादाबाद शो था और उसका पहला टाइटल मुझे मिला, और तो वहाँ से मुझे लगा यार मतलब मैं कर सकती हूँ, कुछ तो कर सकती हूँ। फिर वहाँ से विन करने के बाद में मिसेज यूपी के लिए लखनऊ जाना था, जो हम तीन विनर्स थे, हम लोगों को यूपी के कॉन्टेस्ट में जाना था। तो घर वालों ने पुश किया कि चलो जीत गए हो तो चले जाओ। गई वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैं विनर रही उस शो की, मिसेज यूपी की विनर रही। 2016 मिसेज यूपी का टाइटल मैंने विन किया। तो वहाँ पे जब मतलब मेरा जो दिमाग थोड़ा सा ये फील्ड के लिए मतलब आया, ये फील्ड में जाने का थोड़ा सा एक विचार जो मुझे आया वो वहीं से आया, क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ पे तो जब मेरे जो इस कॉन्टेस्ट में जो मेरे साथ में कम्पीट कर रहे थे वो यहीं के लोग थे, मुरादाबाद की ही लेडीज़ थी। वहाँ पर पूरे यूपी से भी और दिल्ली से और भी कुछ स्टेट से जिनका मायका वगैरह है, अच्छा मतलब जो बर्थ प्लेस उनकी यूपी थी है या फिर उनका मायका यहाँ पे है, तो वो लोग, वो लेडीज़ भी आई हुई थी और कुछ शो बिज़नेस से भी थी। तो मैंने जब उन लोगों को बहुत क्लोज से देखा तो लगा कि अरे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फिर जब मिसेज यूपी विन करने के बाद मिसेज इंडिया इंटरनेशनल के लिए बैंकॉक गए, तो वहाँ तो और ज़्यादा, वहाँ पे तो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स थे, तो उनके साथ में भी जब लगा कि अरे अगर मैं यहाँ पर भी जीत सकती हूँ तो कुछ ना तो कुछ होगा ही।
फिर वहाँ से मुझे फेमिना मिसेज इंडिया शो ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑफर आया. उन लोगों ने मुझे अपना ब्रांड फेस बनाया. अच्छा. फेमिना मिसेज इंडिया ने. और ब्रांड फेस बनाने के साथ में 2017 में उन्होंने मुझे अपना ब्रांड फेस बनाया. फिर इसके साथ में उन लोगों ने मुझे वो शो कोरियोग्राफ करने के लिए भी दिया. जो उनका फर्स्ट शो था फेमिना मिसेज इंडिया, वो मैंने ही कोरियोग्राफ किया था. तो वो हैदराबाद फिल्म सिटी में था. तो हैदराबाद फिल्म सिटी में वहाँ के जो फिल्म सिटी के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे अपनी एक फिल्म ऑफर की, साउथ इंडियन फिल्म. तो जो मेरा मुंबई का सफ़र है वो वहाँ से शुरू हुआ था. उन्होंने मुझे जो फिल्म ऑफर की, उसमें वो लीड कैरेक्टर थी, वो एक लेडी थी लीड कैरेक्टर, जिसके लिए उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया. मैं वो फिल्म साइन करने के लिए मुंबई गई थी. अच्छा. और मैंने वो फिल्म साइन नहीं की, लेकिन मैं वहीं रह गई उसके बाद से. तो मैम फिर वहाँ पे आपने क्या, क्योंकि जैसे आप तो एक हाउसवाइफ थे, तो बड़ी स्ट्रगल, मतलब फैमिली को भी देखना और अपने जो आपका पैशन था, जो डेस्टिनी निकाल रही थी, हाँ, उस पर भी काम करना. हाँ, तो बीच में दोनों में कैसे आपने समंतर बिठाया, कैसे बड़ा. मैं शायद मैं अकेले ये नहीं कर पाती, तो इसमें सबसे सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का है. मेरी फैमिली, फैमिली में मैम सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ तो आपके हस्बैंड. हाँ, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, सबका बराबर का है. मतलब तीनों जन का प्लस मेरे पेरेंट्स का. जब मैं मुंबई में रहती थी तो मेरे पेरेंट्स में से कोई ना कोई मेरे बच्चों के साथ में रहता था. मेरे हस्बैंड पूरा लुक आफ्टर करते थे. मेरे छोटे बच्चे थे जो स्कूल गोइंग बच्चे थे, उनको तैयार करके स्कूल भेजना. आप सब चीज़ के लिए मेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते. तो मैम यहाँ पे तो वो वाली कहावत फेल हो रही है कि जैसे कहते हैं ना, एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. तो यहाँ पे तो ये है कि एक लोगों ने ऐसा बना दिया है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है. यहाँ देखने को मिल रहा है वाइस वर्सा. तो मेरे केस में तो ये बिल्कुल अप्रूव. तो फिर मैम आपने वहाँ पे जब मुंबई आप चले गए, आपने फिल्म तो साइन करी नहीं, और फिर आपने वहाँ पे मतलब रह गए वहाँ पे, क्या करा वहाँ? ये क्या हुआ कि मैं वहाँ पे कुछ दिन के लिए गई थी फिल्म साइन करने के लिए. तो फिर मुझे लगा कि जब मैं यहाँ पे आई ही हूँ और इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई हूँ, भले ही मैं ये प्रोजेक्ट करूँ या ना करूँ, तो मुझे अपने लेवल पर कुछ तो स्ट्रगल करना चाहिए. तो मैंने गूगल में देख के प्रोडक्शन हाउसेज के एड्रेस निकाले और सब जगह कॉल करके वहाँ पर सोचा कि मैं विजिट करने के लिए जाती हूँ. ऐसे ही मैं एक प्रोडक्शन हाउस में विजिट करने के लिए गई थी. तो उन लोगों ने मुझे नेक्स्ट डे अपना एक शो आ रहा था उनका, लाडो. अच्छा. तो उसके लिए उन्होंने मुझे लुक टेस्ट के लिए नेक्स्ट डे बुला लिया. और जब मैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया करने के लिए, और इसमें हरियाणवी एक्सेंट में मुझे बोलना था, जबकि मैं हरियाणवी नहीं हूँ. लेकिन मुझे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग यूपी में रहते हैं, जो कि हरियाणा के बिल्कुल बाजू में है. यूपी वाले तो सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं. तो वो हरियाणवी एक्सेंट मैंने कर लिया. तो मैं अभी वहाँ से अपने होटल वापस भी नहीं पहुँची थी कि मुझे वहाँ से कॉल आ गया कि कल 4 बजे आपका शूट है. तो ये मेरा पहला सीरियल था और इसमें मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला था. तो मैम लाडो किस पे आता है, किस कौन से? ये कलर्स का था. अच्छा. और इसमें मेरा जो इसकी लीड कैरेक्टर थी अम्मा जी, उनकी नेबर का कैरेक्टर था. और काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने, तो मैम हमने भी आपको फ़ोन करा था मैम कि तो आपसे 4 ही बजे का टाइम मांगा था, तभी आप 4 बजे रखती हैं चाहे. हाँ, वो भी मेरा पहला कॉल टाइम था, वो शाम के 4 बजे का था, क्योंकि वो नाइट शूट था. तो शाम को 4 बजे, फिर उसमें कुछ टाइम तो हम लोगों को अपना स्क्रिप्ट करने में और तैयार होने में भी लगता है. तो मैम इसमें जैसे आप कलर्स में कर रहे हैं, और भी किसी सीरियल्स में? मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, 50 से ज़्यादा सीरियल्स किए हैं, वेब सीरीज़ किए हैं, एड फिल्म किए हैं, और मेरी एक मूवी भी आने वाली है जिसके बारे में मैं आपको जून के बाद बताऊंगी. तो बड़े प्रोडक्शन की मूवी है. अपने बच्चे के लर्निंग एंड एक्वायरिंग मेथड का पता लगाएं मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस रिपोर्ट के द्वारा. आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें. आपने भी ब्यूटी कंटेस्ट की बात करी कि आप ब्यूटी के लिए सारा, मतलब यूपी, मिसेस यूपी और बहुत सारी जगह, आप मलेशिया, इंडोनेशिया, जहाँ भी आप गए. तो उसी के साथ क्या कुछ ऐसा कि कोई ऐसा चैनल्स और भी होता है, जैसे कोई अगर उस काम में जाना चाहता है, इस लाइन में जाना चाहता है, तो उसको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत लोगों का होता है. जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने मुझसे पूछी, और जो अगर आप नहीं भी पूछते तो भी मैं बताना चाहती लोगों को कि बहुत लोग मिसगाइड होते हैं इसके लिए.
लड़कियां हैं या फिर लेडीज़ हैं या फिर बॉयज़ हैं जो ऐसे ऐसे कॉन्टेस्ट में जाते हैं और जिसके बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलता, वो सोच के जाते हैं कि हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाएंगे इसके बाद में हम मॉडल बन जाएंगे, जबकि उनको इसके वो एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनको आगे किसी तरह का कोई ना गाइडेंस मिलता है ना उनको आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सही चैनल के ज़रिए जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैम सही चैनल मिल नहीं पाता ना, सही चैनल को आदमी कैसे, सही चैनल नहीं मिल पाता। तो मैं इसके लिए मैंने 3-4 साल पहले भी सोचा था, पर अब मैं आपके साथ मिलकर आपके साथ, आपका साथ होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं और मेरे पास बहुत सारा गाइडेंस और टैलेंट है, जिससे मैं अपने मुरादाबाद और आसपास के लोगों को अवेयर भी कर पाऊँ और उन लोगों को गाइड कर पाऊँ, ट्रेंड कर पाऊँ कि किस तरह से वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाके जीतें और इसके बाद में उसका उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएँ। तो इसके लिए मैं अपने शहर में ग्रूमिंग क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी और एक गाइडेंस सेंटर आपके साथ में मिलकर ज़रूर स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे शहर के जितने भी टैलेंट हैं वो मिसगाइड ना हो और टैलेंटेड होने के बावजूद भी फेल होकर ना आए, उनको कोई ना कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। और अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। टैलेंटेड होने के बावजूद लोग रह जाते हैं क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे और बहुत जल्दी मुरादाबाद के लोगों को एक ग्रूमिंग सेंटर, एक गाइडेंस सेंटर मिलेगा, जिससे वो चाहे एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हों या फिर मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हों या फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हों, मिस, मिस्टर एंड मिसेस किसी भी टाइप की कैटेगरी हो, तो हम उन्हें ट्रेन करेंगे और उनको बिल्कुल सही रास्ता दिखा के और उनके मंजिल तक पहुँचाएंगे। अच्छा मैम, कभी जैसे कोई आपको रोल चेंज करना है, एकदम से करेक्टर चेंज करना है, अभी तो रोने वाला है, अभी हंसने वाला है, तो इसमें कोई टिपिकल तो नहीं होता? इसकी भी एक टेक्निक होती है। तो टेक्निक ये मैम, जैसे कोई चीज़ बोल के दिखाइए थोड़ा सा ऑडियंस को, कोई भी एक शो, कुछ भी जो आपने लाडो में बोला हो, हरियाणवी में जो आप कह रही थी। अच्छा, हरियाणवी कुछ भी जो आपने बोला हो। वो डायलॉग तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट अभी मैंने एक सीरियल किया था जिसमें मैंने वो सीरियल मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैं यूपी की हूँ। अच्छा। उसमें उनकी जो मैं जिसकी लीड कैरेक्टर है, मैं उसकी बुआ हूँ और वो बुआ जो है वो यूपी की है, तो उसके थोड़े से डायलॉग्स मुझे याद हैं। तो मैं अपनी इसमें यह है कि मैं अपनी भतीजी की शादी अपने ससुराल में करवाना चाहती हूँ, तो मैं अपनी माँ को किस तरह से मस्का लगाती हूँ, तैयार करती हूँ कि इसकी शादी मेरे ख़ानदान में कर दो। तो मैं उसमें जाके अपनी माँ को बोलती हूँ, सुनो ना अम्मा, आपके दामाद जी जो गुड़िया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं ना, हीरा है हीरा। सच्ची बताऊँ अम्मा, लखनऊ का कोहिनूर है, पता है विदेश से बैरिस्टरी करके आया है। और देखो ना अम्मा, घर भी तो आपका जाना पहचाना है, वो जो हमारी जैन वाली अम्मा है ना, अरे वही हमारी चचिया सास, उन्हीं का तो बेटा है बस। तो ये तो मैं बड़ा टिपिकल काम है एक्टिंग करना, या मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि एक्टिंग करने में तो आदमी को बहुत सारा मतलब बहुत कंसंट्रेशन, बहुत पेशेंस, बहुत सारी चीज़ों पे, जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो आप क्योंकि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे, तो इमोशन पे कंट्रोल आपका तभी होता है जब आप बाहर की सब चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ कर लो, बिल्कुल बिल्कुल कट होके बिल्कुल अपना एक ऑरा बना लो और उसके अंदर आपको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है। हमारे साथ में कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें रोना है लेकिन वहाँ पर कुछ और चल रहा है, वहाँ पे लोग बात नहीं कर रहे हैं, वैसे तो साइलेंस हो जाता है लेकिन वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा सा चल रहा है, वहाँ पे लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कैसे रोने का इमोशन कैसे लेकर आऊँ, तब हमें वहाँ से अपने आप को कट करना होता है। अच्छा। हमें ना इधर ध्यान देना है ना इधर ध्यान देना है। अभी जैसे कैमरा है, कैमरा में के पीछे भी तो कोई कैमरा मैन खड़ा है और मेरे इधर डायरेक्टर बैठे हैं या जितने लोग बैठे हैं, तो हमें अपने बिल्कुल आंखों के सामने से सब चीज़ें हटा देनी है, तो और वो इमोशन का बैकग्राउंड लेना होता है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि भाई रोने का कोई सीन है, तो वो क्या उसमें आंखों में ग्रीसरीन डालते हैं, रियल में रोते हैं बंदा? कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, रियल में डिपेंड करता है। अगर हम मैकेनिकल करते हैं, मैकेनिकल करने के लिए हमें ग्लिस डालना पड़ता है, लेकिन अगर हम मेथड एक्टिंग में जाएंगे तो आप आंसू नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
आप बिल्कुल उस जोन में चले जाते हो। उसके लिए हमें बैकग्राउंड लेना होता है। बैकग्राउंड कैसे लेना होता है, जब हम एक्टिंग कोर्स करते हैं, जब हम एक्टिंग सीख रहे होते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें, सब ये बारीकियाँ सिखाई जाती हैं कि आपको बैकग्राउंड कैसे लेना है। आपको एक इंसिडेंट तैयार करके रखना होता है। जब आपको रोना है तो आपको रोना भी एकदम से बैठे बैठे नहीं आ जाएगा, और हंसना भी इतना आसान नहीं होता है। तो आपको एक इंसिडेंट तैयार करके रखनी होती है। आपको अपना कोई वर्स्ट इंसिडेंट याद करना होता है, अपनी लाइफ की वर्स्ट इंसिडेंट को याद करना है, और आपको यहाँ से उठ के वहाँ चले जाना है अपने पास्ट में। और जब आप अपने पास्ट में चले जाते हो तो मतलब साइकोलॉजिकली चेंज करना है अपने ब्रेन को। फिर उसके बाद फिर जब आप वहाँ पे आ जाते हो और आपके एक बार आपका इमोशन आपके ब्रेन पर अगर वो आपको मतलब एम्पावर कर गया, तो थोड़ा टाइम तो वापस जाने में लेगा, ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे भी कंट्रोल करना होता है। हमें उसको इतना स्ट्रांग भी होने नहीं देना है, क्योंकि हमें स्विच भी करना है। अभी हमने रोने का किया है, एक मिनट बाद हमें हंसने का भी करना है, क्योंकि जो सीरियल हो या मूवी हो, एकदम सीरीज में ऐसे शूट नहीं चलता है। एक सीन आज अभी शूट किया तो दूसरा वाला सीन नंबर 2 अब हम अभी कर रहे हैं, तो सीन नंबर 11 हम इसके तुरंत बाद में कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि वो हंसने का ही हो। मैम, जैसे हम 30 मिनट का कोई सीरियल देखते हैं तो उसको शूट करने में तो बड़ा समय लगता होगा। हाँ, कभी नहीं, ये भी डिपेंड करता है। कभी कभी 30 मिनट का सीरियल 8 घंटे में भी शूट हो जाता है, और कभी कभी 30 मिनट का 5 दिन में शूट होता है। अच्छा, मतलब वो एक्सप्रेशंस नहीं आ पाते या वो नहीं, एक्सप्रेशंस वाली टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, प्लस लोकेशन कि अगर बार बार लोकेशन बदल रही है तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। एक ही जगह पे एक ही बंगलों में शूट कर रहे हैं तो वो 8-10 घंटे में हो जाएगा। मैम, हम तो इसी हमारे अपने शो पर लोकेशन नहीं बदलते, टाइम बचना चाहिए। बिल्कुल, वैसे भी ये टॉक शो है तो यहाँ पे तो कोई स्टोरी हम दिखा ही नहीं रहे हैं, तो बाकी सबको हमारी ऑडियंस बिल्कुल फ्री है विजुअलाइजेशन के लिए, अपने आप खुद ही करते रहे। बस तो मैम, जब कलर्स के कलाकार बैठे तो सोच ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो कलर्स नहीं, मैंने ZTV और स्टार प्लस और NTV इन सब के लिए भी काम किया है। अच्छा। तो NTV पे मेरा एक सीरियल आता था, गुड़िया हमारी सभी पे भारी। अच्छा। और एक अभी और अभी मेरा एक सीरियल चल रहा है। तो मैम, ये तो हो गई मुरादाबादी गुड़िया सभी पे भारी। क्योंकि मैम जाते तो बहुत लोग हैं। हाँ। है ना, लेकिन कुछ कोई कुछ कर जाए ये भी तो एक चीज़ है। जैसे कहीं मैं शायद पढ़ रहा था कि मुंबई लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोग वापस भी आते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। हर दिन मुंबई में 1,00,000 एक्टर्स उतरते हैं, जिनमें से हर दिन 60,000 से 75,000 लोग वापस भी जाते हैं, जो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते, शायद कम नॉलेज की वजह से नहीं कर पाते, या फिर वो पूरी प्रिपरेशन के साथ में नहीं जाते, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन हम जैसे जो बच्चे हैं आज की तारीख में जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो वो एक तो ग्लैमर के मारे जाना चाहते हैं। हाँ। कि मेन चीज़ तो ग्लैमर है। हाँ। कि भाई ग्लैमर है कुछ वहाँ। हाँ। तो मैम, कि रियली में ग्लैमर होता है या बहुत कठिन लाइफ होती है? ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। देखो, ग्लैमर तो है, ग्लैमर से तो ग्लैमर देखकर ही लोग जाते हैं, ग्लैमर तो वहाँ है, लेकिन ग्लैमर के साथ साथ में स्ट्रगल भी है और हार्डवर्क बहुत है। जी, जैसे हम कहते हैं ना, स्वर्ग तभी मिलता है जब मरते हैं। हाँ। तो वो जो ग्लैमर तभी मिलेगा, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करोगे। हाँ। और यहाँ मतलब हर कोई तो गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं होता, सबको स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि 30 मिनट्स का सीरियल शूट करने में कितना टाइम लगता है, बहुत कम होते हैं सीरियल ऐसे 30 मिनट के जिनको 8-10 घंटे में जो हो जाता है एपिसोड, अदरवाइज 4-5 दिन लगते हैं एक 30 मिनट का एपिसोड। 30 मिनट का भी नहीं, वो 25 या 23 मिनट का एपिसोड होता है, बीच में ऐड भी आते हैं, उसके लिए 4 या 5 दिन लगते हैं। तो वो जो ग्लैमर आपको दिखाई दे रहा है, 25 मिनट्स का जो ग्लैमर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे 5 दिन की हार्डवर्क होती है। तो वो हार्डवर्क करना हर एक के बस की बात नहीं। अपने बच्चे की छिपी क्षमता को अनलॉक करें ब्रेन स्टिमुलेशन वर्कशॉप के साथ। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा मैम, जो बच्चे जाना चाहते हैं इस शो, मतलब अपने लाइफ को इसमें करियर ऑप्शन मतलब चूज करना चाहते हैं एक्टिंग का, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे बड़ी चीज तो कि उनको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना चाहिए कि हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल भी रहेगा, और प्रिपेयर
ऐसे देखो दिमाग को प्रिपेयर करके भी जाना चाहिए और ट्रेंड होकर जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड मतलब मैं? ट्रेंड मतलब कि जैसे आप बोल रहे थे कि ग्लैमर सबको अच्छा लगता है, एक्टिंग करना भी तो आना चाहिए ना, तो एक्टिंग करना आना चाहिए, कैमरा फेस करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई लोगों को मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स देखे जब मैं अपना स्टार्टिंग स्ट्रगल टाइम में, मैंने ऐसे ऐसे एक्टर्स देखे जो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, मतलब कैमरा के पीछे वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं, कैमरा सामने आते ही उनको मतलब एक्टिंग भूल जाते हैं, मतलब वो कैमरा फेस नहीं कर पाते। तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि खाली एक्टर होना भी, उससे भी काम नहीं चलता है। तो इसके लिए उनको अपनी एक्टिंग खुद ही घर पे कैमरा के सामने खुद ही करनी चाहिए पहले प्रैक्टिस। अगर आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग सेंटर तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं जो आप घर में नहीं कर पाते। आप घर में कितना प्रैक्टिस कर पाओगे, शीशे के सामने आप कैमरा फेस करना सीख जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नहीं पता कि मुझे लॉन्ग शॉट कैसे देना है और क्लोज शॉट कैसे देना है। आपका कैमरा लगा हुआ है क्लोज के लिए और आप लॉन्ग सोच के अपने हाथ पर चला रहे हो जो कि आपके स्क्रीन पर भी नहीं आने, तो उसका क्या फ़ायदा। तो टेक्निकल चीज़ें जानने के लिए भी आपको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं जो कोई भी एक्टिंग कोर्स होते हैं, बहुत सारे ग्रूमिंग कोर्स, एक्टिंग कोर्स, मैम आपने भी कहीं करा था ये सारी? मैंने जब मैं मुंबई गई थी तो। अच्छा, आपने मुंबई में करा था? जी, मैंने मुंबई में FTC में किया था। FTC सुनील शेट्टी की एक कंपनी है, मुकेश छाबरा एंड सुनील शेट्टी के कोलेब्रेशन में एक कंपनी है FTC। तो मैंने वहाँ पे वर्कशॉप्स किए थे वहाँ जाने के बाद में, जहाँ से मुझे ये चीज़ें पता चली। इसके पहले मुझे लगता था कि हाँ मुझे कैमरा फेस कर, क्योंकि मैं ये ग्लैमर इंडस्ट्री से तो थी ही, क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर चुकी थी, तो मुझे स्टेज फेस करना आता था, स्टेज के कैमराज फेस करने आते थे, तो मुझे लगता था कि इतना काफ़ी है। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा कोर्स करना चाहिए। तो फिर मैंने FTC में वर्कशॉप किया, फिर उसके बाद में मैंने एक कोर्स किया, पूरा एक्टिंग कोर्स किया, जहाँ से मुझे पता चला कि ये जो मैं आपको बता रही थी ना स्विच करना, ये मैंने वहीं सीखा था। क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, किसी भी एक्टिंग की मेन चीज़ है कि अभी स्विच करना। तो वहाँ पे हमारे जो कोच थे वो पेंटल सर थे और रज़ा मुराद सर थे, तो इन लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जो अभी तक मेरे साथ हैं। ग्रेट। अपने खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के साथ। ऑर्डर के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा मैम, जैसे ये एक्टिंग की बात हो रही है बच्चों के लिए, तो कहीं आपकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स तो नहीं है कि एक्टिंग स्कूल खोल लेंगी? फ़िलहाल मेरी ऐसी कोई प्लानिंग्स तो नहीं है, बट जैसा कि मैं देख रही हूँ कि हमारे मुरादाबाद से और हमारे नेबरिंग टाउन से लोग जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बट सर्वाइव नहीं कर पाते, जितनी जल्दी जाते हैं उतनी जल्दी वापस भी आ जाते हैं, तो बहुत सारी कमियां हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पता होती हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं तो आप ही क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। अच्छा। आप एक टॉक शो चला रहे हैं, बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें चला रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्लान करते हैं। बिल्कुल प्लान करते हैं, आफ्टर शो आपके साथ बैठ के प्लान करते हैं कि कैसे कैसे हम करेंगे, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ट्रेनिंग देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों आपने सुना मैम ने कितनी अच्छी बातें बताई और मैम ने कितनी आपको जानकारी दी, और मैम ने ये भी बताया है कि वो मेरे साथ मिलकर कोई सेंटर खोल रही है। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, एक अभी मैम ने शो पे बोला है, अभी हम इसको प्लान कर रहे हैं, प्लान आउट करते हैं। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो को देखा, और मैम का बहुत धन्यवाद मैम शो पे आई और अपना समय निकाला। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुरादाबाद के लोगों के लिए सोचा कि उनको सही गाइडेंस देने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।